हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम शकरकंद की पूरी बनाएंगे। तो पूरी बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो हम देख लेते हैं। ये हमने शकरकंद को उबाल कर ले लिया है, नमक, अजवाइन और ये गेहूं का आटा लिया है हमने। इसकी जगह आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये शकरकंद का छिलका हटा लिया है, इसको हाथ से हम मैश करेंगे। शकरकंद को हमने थोड़ा सा मैश कर लिया है। अब हम इसमें आटा डालेंगे, अजवाइन डालेंगे और नमक डालेंगे। हम सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे अच्छे से और इसका डो तैयार करेंगे। तो ये हमारा डो बनके तैयार है। इसमें हमने थोड़ा भी पानी का यूज नहीं किया है, सिर्फ शकरकंद से हमने डो को तैयार किया है। इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसकी पूरियां बनाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से डो बना के 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं इसको, और जब भी आपको पूरियां खानी हो तो गर्मा गर्म फ्राई करके खा सकते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। एक बार आटे को हम फिर से अच्छे से मसल लेंगे। इस तरह से पूरियों के लिए हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। तो इस तरह से हमने लोइयों को बना लिए हैं। अब हम इसकी पूरियां बेल लेंगे। पूरियों को बेलने के लिए हम थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाएंगे लोई को और इसमें थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे और इस तरह से हम पूरियों को बेलेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के भी बेल सकते हैं। सारी पूरियों को इसी तरह से हम बेल लेंगे। पूरियां हमको बहुत ज्यादा मोटी और बहुत ज्यादा पतली नहीं बेलनी है, इतना पतला हम रखेंगे पूरियों को। कढ़ाई में हमने गर्म होने के लिए तेल रखा है। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम पूरियों को फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया है हमारा, पूरियों को डाल के फ्राई करेंगे हम। पूरियां हमेशा तेज आंच पे ही फ्राई होती हैं, तो आंच को हमेशा हमको तेज रखना है। और इस तरह से एक एक पूरियों को डालते जाएंगे और हल्का सा चलाते हुए इसको फूलने देंगे। और जब हमारी पूरियां फूल जाएंगी तो इसको हम पलट लेंगे। और जो पूरी हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी इस तरह से, उसको हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारी पूरियों को हम फ्राई करेंगे। लीजिए दोस्तों, बनके तैयार हमारा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी शकरकंद की पूरी। आप इस तरह से एक बार बना के जरूर ट्राई करें। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।